जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता सुभाष चौक में आकर खुशी मना रहे हैं और आपको रुझान भी दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश 148, छत्तीसगढ़ 52 और राजस्थान 106, प्रचंड जीत ये भारतीय जनता पार्टी की। और यह पूरा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जगत प्रकाश नड्डा जी को, अमित शाह जी को और बहुत ही सबसे सबसे बड़ा पूरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता जो इस लगन से लगे रहे और इतनी ऐतिहासिक जीत, और सबसे बड़ा धन्यवाद देश की जनता को जिन्होंने विकास को आशीर्वाद देने का काम किया। खुशी बहुत है, नाच गाकर बिल्कुल आपको खुशी प्रत्येक चेहरे पर नजर आएगी, आज प्रत्येक हिंदुस्तानी के चेहरे पर नजर आएगी, प्रत्येक भारतवासी के चेहरे पर नजर आएगी। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है हिंदुस्तान में, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कमल को जानते हैं। ये जो इतनी बड़ी जीत है, इसका असर क्या हरियाणा में भी देखने को बिल्कुल इसका हरियाणा में बहुत असर देखने को मिलेगा। तीन राज्यों की इतनी बड़ी जीत जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इसका मतलब पूरे देश का मन बन चुका है कि अगली बार फिर मोदी सरकार और उसके बाद मनोहर सरकार, आज ये मोहर लग चुकी है। मान के चले 2024 में गाड़ेगी मनोहर सरकार, बिल्कुल गाड़ेगी जी, बिल्कुल गाड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप समय निकाल के आए और इस शुभ अवसर पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए बहुत ही शुभ दिन है। जो विपक्षी लोग ये कहा करते थे कि अब मोदी का जादू नहीं चलेगा, वो सब जो भ्रांतियां हैं आज भारत की जनता ने वो खत्म कर दी है। आज देख सकते हैं चार राज्यों में से आज तीन राज्यों के अंदर प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है और राहुल गांधी जी जो बार बार मोदी जी पे अटैक करते हैं, बार बार कह के और उनके कार्यकर्ताओं ने बड़ी बेशर्मी से एक बात कही के पनौती है, जब वर्ल्ड कप जब हारा हमारा देश तो उन्होंने कहा पनौती है, मगर उनकी ये मानसिकता दर्शाती है कि उनकी घटिया मानसिकता है देश के लिए, देश की टीम के लिए, देश की जनता के लिए। और उन्होंने जो उन्हें शब्द इस्तेमाल किए थे, उन्होंने बहुत गालियां निकाली है, 2014 में भी गालियां निकाली, 2019 में भी गालियां निकाली और अब 2024 में भी वो गालियां निकाल रहे हैं। और जितनी बार ये गालियां निकालते हैं उतनी बार मोदी जी और भाजपा यहाँ पर पूरे निखार के साथ उभरती है और पूरा देश उनका अनुमोदन करता है, पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को मैं बधाई देता हूँ, सिरसा जिला की पूरी टीम की तरफ से भी हमारे सब कार्यकर्ता बंधुओं को, भारत की जनता को, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।